अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। ये आपको नई जगह लग रही होगी, आप सोच रहे होंगे मेरा छत तो उस तरह का नहीं था। तो जी बिल्कुल, ये नई जगह है। मैं आया हुआ हूँ लाहौर एक दो दिनों के ट्रिप पर। परसों आया था, आज दूसरे दिन है, क्या पता कल इंशाल्लाह वापसी है। और आप देखें कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। इस इलाके का नाम बता देता हूँ मैं, ये बैरिया टाउन है लाहौर का। और जो ग्रीनरी है इसके पीछे यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क है बैरिया टाउन की, मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। वहाँ का चक्कर लगा तो अभी मगरिब की नमाज के भी हो रही होगी, तो क्या पता मैं अभी जाऊँ और वहाँ पे भी एक व्लॉग बना दूँ। लेकिन माशाल्लाह से देखें कितना अच्छी सोसाइटी है ये, और ग्रीनरी बहुत मुझे अच्छी लगी यहाँ पे। बरसात के मौसम है और ग्रीनरी भी अच्छी निकली हुई है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से आपको छत दिखाऊँ तो साथ वालों की छत है, और यहाँ से पीछे आप देखें बंदे खड़े हैं कुछ, माशाल्लाह देखें कितना ग्रीनरी ग्रीनरी। बंदा खुश होता है, अभी शाम का वक़्त है, तकरीबन मगरिब हो रही है। तो मैं आया हुआ हूँ स्काई वेज के थ्रू, आया हूँ फैज़ाबाद से, इधर बंद रोड तक आती है लाहौर में, तो थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन चलें जो बेहतर था वो हो गया। अब इंशाल्लाह वापसी है, इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगा। अगर मैं मुर्गी की बात करूँ तो मुर्गी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, नशनी तोते भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है घर में। पीछे मैं घर पर मैंने एक बंदे को दिया था कि वो मुर्गियाँ वगैरह संभाल ले, तो नीचे थोड़ा छोटा सा टेरिस बना हुआ है, ये हमारा टेरिस है, ये सारे वाले घर में टेरिस है। तो अच्छे बहुत हैं यहाँ पे, मौसम भी आज बहुत गर्म रहा है लाहौर का। और आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ भी, बैरिया टाउन की फेरी होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे खामोशी है पिंडी के मुकाबले में, जहाँ हमारा घर है बैरिया टाउन में थोड़ी खामोशी है, अच्छी सोसाइटी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीनरी है, वाइड वाइड रोड्स बनी हुई हैं, गाड़ियाँ दोनों साइड की गाड़ियाँ आराम से गुजर सकती हैं, सिक्योरिटी सिस्टम आपको देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी महंगी है, लेकिन इसकी ये खासियत है कि आप गर्मियों में अगर आप किसी सिटी के अंदर रहते हैं तो आपको चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, गैस वही होती है। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी महंगी, यानी आपका तकरीबन अगर 5,000 सिटी में आता है तो यहाँ पे क्या पता 7,500 या 7,000 आए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खामोशी है, यहाँ पे लोग सुबह सुबह वॉक के लिए भी निकलते हैं। मैंने जिस घर आया उनसे मैंने पूछा था कि यहाँ पर सुबह सुबह होते हैं, कहते हैं यहाँ पर सुबह लोग वॉक के लिए निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, बजट वालों ने ख़ास जगह रखी है ग्रीनरी के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो लेकिन एक यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे पिंडी के मुकाबले में मौसम बहुत गर्म होता है, आज बहुत ज़्यादा गर्म थी, तकरीबन 35 टेम्परेचर था और फील अबाउट हो रहा था 40 महसूस हो रहा था, मच्छर बहुत ज़्यादा है, मैं नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ भी, आप वहाँ पर घर भी देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छे घर बने हैं। अगर फोकस करवाऊँ तो ये देखें, इसके अलावा इस हाथ एक घर है, यहाँ पे एक प्लॉट खाली भी पड़ा हुआ है, ये देखें प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जब मैं दिल्ली जाऊँगा एक ब्लॉग बनाऊँगा अपने पैट्स पर। ऑस्ट्रेलियन तोते भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं, देखें यहाँ पे पिंजरा रहता है, उसका एक छोटा सा बच्चा था वो भी उड़ गया, शायद मिसिंग है जिस घर में आया हुआ हूँ। अपनी जो घर है ये कह रही थी मिसिंग है, तो अब देखें कुछ आ नज़र आ रहा होगा अगर मैं फोकस करूँ। ये देखें चांद, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत दूर है। दोस्तों अब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको
मस्जिद भी अभी तक ले जाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल छोटा सा फॉर्म को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।